बावजूद भी कुछ ऐसी गतिविधियां जारी है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच कोरोना कर्फ्यू में टाइम पास करना एक युवक को भारी पड़ गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मल्लागंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ देर शाम क्रिकेट खेलते समय दो दोस्तों में विवाद हो जाता है। विवाद के चलते एक दोस्त दूसरे दोस्त पर बैट से हमला कर बुरी तरह घायल कर देता है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। घटना मल्लागंज थाना क्षेत्र शाम 5 बजे की है, जहां यश जैन पिता दिलीप जैन निवासी जनता कॉलोनी अपने घर से मंदिर जाने का बोल कर निकला था। इसके बाद वो सुवास हाई सेकेंडरी स्कूल बड़ा गणपति स्थित मैदान में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। वहीं पर किसी बात को लेकर यश और करण में विवाद हो जाता है और करण बैट से यश पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यश का अधिक खून बह जाने से उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। थाना प्रभारी प्रीतम ठाकुर ने बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था, जिससे बल्ले से युवक को चोट लगी है और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बल्ले से हमला करने वाले आरोपी करण को गिरफ्तार कर पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। सर, किस तरह की घटना है युवक की हत्या के सामने? अभी चोयतराम हॉस्पिटल से एक साना नोट कराया था कि जिसमें बताया कि यश पिता विजय जैन करके है, जो एक करण शर्मा जिसको लेके आया था, तो बैट की चोट थी तो उसका इलाज चल रहा है। क्या कारण है इस सब की, कैसे इसको मारा है, क्या कोई विवाद हो रहा है किस दौरान? नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे, उसकी जांच चल रही है। किन लोगों ने मारा है, उनके कुछ नाम पता नहीं? अभी नहीं आया कुछ। अभी युवक की क्या स्थिति है सर, जो हॉस्पिटल में? उसकी अभी फौत हो गया है।